महंगी है तो इन्फ्लेशन इसी तरह ही चलती रही तो मुझे लगता है उनकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी उनको भी कुछ करना पड़ेगा गजा की सूरत हाल कितना बड़ा आपको लगता है की असर छोड़ने जा रही है ये वाद रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर डिवाइडेड हुआ वो उन्हें दोनों तरफ अपनी सपोर्ट नजर नहीं आ रही स्विंग स्टेट्स में इन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी है थ्रेट भी है इस्लामोफोबिया ये इशू उनके लिए बहुत अहम है फिर यह है कि अमरीकी सदर की मुसलमान मुल्कों की तरफ Uh, क्या पॉलिसी होगी फॉरेन पॉलिसी ये भी मुस्लिम डेमोग्राफिक के लिए इम्पोर्टेंट कैसे पता चलता है कि कौन से इश्यूज जो हैं वो अहम हैं इस दफ़ा वोटर्स के लिए लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने तासुरात का अपनी खुशी का अपनी गमी का किसी किसी पोलिटिकल इशू को वो पसंद करते हैं नापसंद करते हैं जिक्र करते हैं तो एल्गोरेदम्स यहाँ बड़े अच्छे बने हैं वाशिंगटन डी सी में वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूँ आयशा खालिद वी ओ उर्दू की यू एस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ इन साइड अमेरिका हॉर डेमोक्रेसी वर्कस के साथ यानी अमरीका में ज़महूरियत कैसे काम करती है आज के एपिसोड में बात करेंगे अमरीकी वोटर्स और उनके लिए अहम इशूज़ की यूएस सेंसर ब्यूरो के मुताबिक अमरीका की कुल आबादी तैंतीस करोड़ सत्तर लाख से ऊपर है इसमें वोट डालने के अहल अफराद की तादाद चौबीस करोड़ से ज़ायद है और प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक सन दो हज़ार बीस के सदारती इंत इंतखा में अहल वोटर्स की छासठ फीसद तादाद ने वोट डाला था जो कि सन उन्नीस सौ से अब तक की एक रिकॉर्ड तादाद है अगर इशूज़ की बात करें तो प्यू रिसर्च के मुताबिक इस साल के एलेक्शन में मीशत इमिग्रेशन असात हमल और डेमोक्रैट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों परमाद अहम तरीन तरजीहत हैं लेकिन ये इशूज़ अहम कैसे हो गए इलेक्शन के इस पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोफ़ आरिफ टाउसन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इनसाइड अमेरिका हाउ डेमोक्रेसी वर्कस रोफ़ रोफ़ कैसे पता चलता है कि कौन से इशूज़ जो हैं वो अहम हैं इस दफ़ा वोटर्स के लिए इतनी मुतनवू आबादी है अमेरिका की कैसे पता चलता है देखें अमेरिका बड़ी आ, एक बड़ा यूनिक मुल्क है इस दुनिया में यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट्स कह लें आप वो अपना एजेंडा सेट करती हैं वो बताते हैं कि हमारे ये ये अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो तो दे रहे हैं जिसको मीडिया कवर करता है एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हैं रिसर्च सेंटर्स हैं जैसा कि आपने पीयू की बात की गैलप है आ, बहुत सारे और पोल्स हैं जिसके जरिए वो कर आ, जिसके ज़रिए से इश्यूज के बारे में बात होती एक और अहम चीज़ आयशा जो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ पर मेटा डेटा का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है डेटा अबाउट डेटा जैसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने तसरत का अपनी खुशी का अपनी गमी का किसी किसी पॉलिटिकल इशू को वो पसंद करते हैं नापसंद करते हैं जिक्र करते हैं तो एलगुरदम्स यहाँ बड़े अच्छे बने हुए हैं वो एलगुरदम्स हाईलाइट करते हैं कि लोग आजकल इस इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा तोज्जो दे रहे हैं तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो एलगोरीदम्स डिटर्मन भी कर रहे हैं साथ साथ कि ये अहम जैसा कि इकॉनमी बहुत अहम है बॉर्शन जैसे आपने बात की बहुत अहम है इन्फ्लेशन बहुत अहम है ये सारे इशूज़ हाई हो रहे हैं तो बेसिकली चार पाँच तरीक़ों के ज़रिए से ये डिटर्मन होता है कौन से इशूज़ इस वक्त अमेरिका में ज़्यादा अहमियत के तो जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो इन को देखते हैं इस डाटा को देखते हैं और फिर उन मौजूद के ऊपर वो फोकस करते हैं आ, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल कैम्पेन्स हायर की होती हैं जिनके ऊपर जिनके पास पी भी हैं रिसर्चर्स भी हैं उनकी डायरेक्ट एक्सेस है इन पोल्स के ऊपर इन रिसर्च के ऊपर जैसा कि आप रिसेंटली देखें तो आ, आ, हमारी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कामला हारिस उन्होंने फोकस ग्रुप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया जो मिशीगन में हुए यंग जनरेशन के ऊपर और उन्होंने उसके मुताबिक अपनी कैंपेन्स बनाई तो जी वो बड़ा केयरफुली पोलिटिकल कैंडिडेट्स इन सारे के सारे पोल्स को इन ईश्यूज़ को देख रहे हैं और होते हैं और उसके ऊपर पॉलिसी बनाते हैं अब कामला हारिस की जो रिसेंट पॉलिसी है अपॉर्चुनिटी इकॉनमी ये उसके बाद ही बनी जब पोल्स सामने आना शुरू हुए कि इकॉनमी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है तो उन्होंने भी उस इशू को सबसे पहले अपने एजेंडे के ऊपर हाईलाइट कर दिया इकॉनॉमी की बात करते हैं गैलप के सितंबर में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक इकोनॉमी जो है वो उस वक्त वोटर्स के लिए या वोट डालने के अहल अफराद के लिए सबसे अहम इशू था और उस पोल के मुताबिक ये इशू जो है इस वक्त इतनी अहमियत जो हासिल कर गया है ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो है इकॉनमी इस्तीफा हुई है तो कैसे इकानमी इतनी अहम हो गई या ये बहुत अच्छा सवाल है देखें आयशा एक तो नैरेटिव था कि जैसे हमारे सबक सदर ने इस्तेमाल किया कि बाहर से इमिग्रेंट्स आके तो वो हमारी जॉब्स ले रहे हैं तो वो नैरेटिव पहले से इस्टेबलिश हुआ हुआ था और उन्होंने कहा कि हम चाइना पे टैरिफ्स लगाएंगे पाबंदियाँ लगाएंगे और बाय अमेरिकन का वो सारा कॉन्सेप्ट हुआ लेकिन एट द सेम टाइम कोविड नाइन्टीन के इरा में आपको पता है इकानमी रीसेट हुई और पोस्ट कोविड 19 में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसने इतना इफेक्ट किया कि हर बंदा हर इंसान जो अमेरिका में रहता है अमेरिकी शहरी उसको आ, उसने अफेक्ट किया जब वो अपनी एग्जिस्टिंग तनख्वाह के अंदर वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सका तो उसको एहसास हुआ कि इकानमी उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है आ, सो इसी लिए इकानमी और इन्फ्लेशन मैंने आपके एक प्रोग्राम में एक दफ़ा बात भी की थी कि अमरीकी सदर की तनख्वाह चार लाख डॉलर है तो दो हज़ार अट्ठाईस में देखें अगर इन्फ्लेशन इसी तरह ही चलती रही इस वक्त अर्शियाए खुर्दो नौश इक्कीस इशारिया चार फीसद ज़्यादा महंगी हैं अमेरिका में चार साल पहले की नस्बत तो मुझे लगता है उनकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी उनको भी कुछ करना पड़ेगा तो इकॉनमी तो अहम होगी तो हर एक के लिए चले वो आ, हम मुस्तबिल की बात जो है उस पर छोड़ देते हैं मुस्तकबिल पर छोड़ देते हैं फिलहाल अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है तारकिन वतन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आकर आबाद हुई है वोट डालने के अहल वोटर्स में से दस फ़ीसद जो है वो नेशनलाइज सिटीजन हैं यानी इनकी पैदाइश जो है वो अमेरिका से बाहर की है वोटर्स के इस ग्रुप के लिए कौन से इश्यूज जो हैं वो अहम हैं और क्या वो जो आ, बाकी की जो पापोलेशन है उससे क्या वो इश्यूज मुख्तलिफ हैं ये बड़ा अच्छा सवाल है देखें कुछ इश्यूज तो आ, जो आ, जो नेचुरल सिटीजन हैं यहाँ अमेरिका में उनके और जो यहाँ पे आ, जो बाई बर्थ जो अमेरिकन हैं एक जैसे हैं जिसमें इकानमी और इन्फ्लेशन ये एक जैसे हैं लेकिन फिर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो उनके डेमोग्राफिक्स के मुताबिक हैं पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उन नेचुराइज सिटीजनस के अंदर उनमें कौन कौन से मुल्क डोमिनेट करते हैं Uh, सबसे पहले नंबर वन पे आप देखें तो मेक्सिको से आए हुए हिस्पैनिक्स Hispanic. हिस्पेनिक्स जो हैं उनकी उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया की है तीसरे नंबर पे फिलीपींस है तो इस तरह करके अगर हम उनको देखें तो इन सब के डेमोग्राफिक डाइ तीसरे नंबर पे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ चाइनीज़ पॉपुलेशन है चौथे नंबर पे फिलीपींस है तो इन सब के डायनामिक्स डिटरमिन करते हैं कि उनके लिए इश्यूज़ कौन से अहम है जब हिस्पेनिक्स जो नेचुरलाइज सिटीजन हैं उनके लिए अहम है कि उनकी फैमिलीज़ के साथ वो रिकनेक्ट हो सकें उनके जो इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉज़ हैं न्यूक्लियर फैमिली के वो हो सकें इसी तरह आप देखें इंडियन जो डायस्पोरा है फिर उनमें ये एजुकेशनल लेवल आता है मुख्तल जो आ, जो एशिया और साउथ एशिया से इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं जनरली रिसर्च हमें ये बताती है कि उनकी ग्रेजुएट लेवल की डिग्रीज़ ज़्यादा सेवेंटी परसेंट लोगों के पास हैं लेकिन अगर स्पेनिक की पॉपुलेशन देखें तो वहाँ एजुकेशन का डायनामिक डिफरेंट हो जाता है तो ये डिटर्मन करता है उनका इशू तो एक इशू तो हो गया इन्फ्लेशन एक इशू हो गया इकनॉमिक्स थर्ड इशू हो गया ये जो ए, इमिग्रेशन से रिलेटेड है ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप मुस्लिम डेमोग्राफिक की तरफ आ जाएं तो उनके इशू में फिर आ, 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 ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं ख़ास तौर पर जैसे इसराइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ये एक मतनाज़ा मामला है वो उनके लिए अहम है दूसरा ये है इस्लामोफोबिया ये इशू उनके लिए बहुत अहम है फिर यह है कि अमरीकी सदर की मुसलमान मुल्कों की तरफ आ, क्या पॉलिसी होगी फॉरेन पॉलिसी ये भी मुस्लिम डेमोग्राफिक के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए इमिग्रेशन जो है उनके अंदर सब ग्रुप्स जो हैं उनके वो डिटरमिन करते हैं कि उनके लिए कौन ए, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आ, का आपने जिक्र किया इमिग्रेशन कितना अहम इशू है और पीओ और अगर गैलप दोनों के सर्वेस अगर हम देखें तो उनसे पता चलता है कि इमिग्रेशन का इशू ट्रम्प वोटर्स के लिए जितना अहम है इतना कामला हैरिस के वोटर्स के लिए नहीं है मुमकिन वोटर्स के लिए इसकी क्या वजह देखिए रहे देखें इसकी वजह यह है कि जो जो सबक सदर ट्रंप हैं उनका नरेटिव है कि हम इमिग्रेशन को रोकें उनका एक पॉलिटिकल नरेटिव है ये उनका जरिया है अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने का तो जो उनके सपोर्टर हैं वो इमिग्रेशन को एक प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं जिसकी वजह से उनके लिए बड़ा अहम है जब ट्रंप कहते हैं कि मैं इमीग्रेशन के ऊपर मज़ीद सख्त से सख्त इकदाम लूँगा तो उनके वोटर्स वो अपने वोट बैंक को स्ट्रॉग कर रहे हैं कामला हारिस के जो वोटर हैं उनके लिए इसलिए अहम नहीं है कि वो इमिग्रेशन को प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देख रहे उनके लिए इमिग्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से उनके वोटर्स में के क्या ये एक सबसे अहम इशू है जिसकी वजह से आप कामला हारिस को वोट देंगे तो इस पर नहीं जाएंगे उनके लिए बोर्शन क्लाइमेट चेंज और इकानमी ये इशूज़ ज़्यादा अहम आ जाते हैं तो ये डायनामिक है बेसिकली ये जो सियासी नेरेटिव है ये ये डिटर्मन कर रहा है कि कौन सी साइड के वोटर्स के लिए कौन सा इशू ज़्यादा है ख़वा के की तरफ आते हैं खवतानी अमरीकी आबादी का नफ़ से कुछ ज़्यादा है और कॉलेज डिग्री रखने वाली जो ख़ीन हैं उनकी तादाद मर्दों से अमरीका में ज़्यादा है इस वक्त अमरीका की दस रियासतों में असक़ात हमल या एबॉशन जो है उससे मतलब सवाल भी इस वक्त बैलट पर हैं एबॉर्शन कितना बड़ा इशू है इस वक्त देखें एबॉर्शन इसी तरह अगर आप डेमोक्रेटिक वोटर्स से उनका पीयू सर्वे गैलप सर्वे उठा के देखें या मुख्तलिफ जितने भी सर्वेज हुए उनके लिए एबॉर्शन एक बड़ा अहम इशू है उनके लिए ये औरत का ख़ुद फैसला करना कि वो अपनी ज़िंदगी के इन चीज़ों के ऊपर फैसला कर सकें ये एक बड़ा अहम है लेकिन अगर आप चले जाएँ दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स की तरफ तो एबॉर्शन रिट्स उनके लिए अहम इशू नहीं है वो इसके वो दूसरी जो जो रिपब्लिकन्स का नैरेटिव है कि आ, आ, इसको इसको वो रोकना चाहते हैं वो ज़्यादा अहम हो जाता है तो अगर आप इसको मैं ये इस इसके साथ ज़रूर कनेक्ट करूँगा कि अब जैसे यूथ वोटर हमारी बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर जेन जी भी अब आपको पता है कि काफ़ी बढ़ना शुरू होगी उनके लिए बॉर्शन बहुत अहम इशू है अगर वो मोबलाइज होते हैं अगर वो वोटिंग में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका ये एक वाद इशू जैसे इकॉनमी और इन्फ्लेशन अहम है उनके लिए ये भी उतना ही अहम जाएगा आ, आ, लेकिन अगर आप रि, रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के लिए देखें तो वो इतना अहम नहीं होगा मुसलमान अमरीकी जो हैं उनकी तादाद काउंसिल अमेरिकन रिलेशंस या केयर के मुताबिक उनमें अमरीक जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन पच्चीस लाख है केयर के सर्वेस दिखाते हैं कि इस वक्त किसी भी सदारती उम्मीदवार को आ, मुस्लिम वोटर्स की वाज अक्सरियत जो है वो हासिल नहीं है सोलह फ़ीसद वोटर जो हैं वो अभी तक अनडिसाइडेड हैं ग की सूरत हाल कितना बड़ा आ, आपको लगता है कि असर छोड़ने जा रही है मेरा ख्याल है कि देखें गज़ा का जो मसला है ये वाद रीज़न है जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर डिवाइडेड हुआ हुआ है क्योंकि आ, वो नेचुरली डेमोक्रेटिक वोट थे जो बहुत सारे वो अब डिसाइडेड हो के तो वो उस तरफ वोट नहीं आ, देने का सोच रहे या अभी तक वो उन्हें दोनों तरफ अपनी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर डिवाइडेड है एट द सेम टाइम आयशा एक और आ, हमें ये डायनामिक देखना है कि जैसे आपने बताया 24 या 25 करोड़ आपने बताए तकरीबन 25 लाख तकरीबन 25 पच्चीस लाख जी रजिस्टर्ड वोर्टर। रजिस्टर्ड वोटर्स हैं अब उनमें देखें आधे वोटर्स तो उन स्टेट्स में रहते हैं जैसे न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया फ्लोरिडा ठीक है अब इन टेक्सस चार स्टेट्स में रहते जो हैं जो कि स्विंग स्विंग स्टेट्स नहीं। वो स्विंग स्टेट्स नहीं है। नहीं वो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ चाहे उनका गुस्सा या उनकी अनडिसाइडेड काइंड ऑफ अप्रोच जो है कितनी ज्यादा हो तो आधे 50 परसेंट मैटर नहीं करेंगे मैटर। चाहे आप डेमोक्रेट हैं और अगर आप फ्लोरिडा और टेक्सस में रहते हैं आप डेमोक्रेट कैंडिडेट्स को वोट भी देंगे वो स्विंग स्टेट नहीं बनेगी तो उसका नुकसान उनको या फायदा नहीं होगा और स्विंग तो स्टेट्स भी कौन सी हैं अगर जल्दी हाँ से हम अपने नाज़ीन को बता दें स्विंग स्टेट्स वो, कि, वो, कि, वो, किन स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स स्विंग स्टेट्स वो हैं जहां पे वोटर अनडिसाइडेड वोटर किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लाइन कर सकता है वोट को जैसे जैसे मिसाल तौर पर मिशिगन इस वक्त स्टे, स्विंग स्टेट है विस्कॉन्सन इस वक्त स्विंग स्टेट है एडिजोना स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है इन स्टेट्स के अंदर अगर अनडिसाइडेड वोटर चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो जिस भी जिस तरफ भी उनकी इंकलनेशन है अगर वो कामला हारिस की तरफ या वो ट्रंप की तरफ इंक्लाइन करते हैं तो वो स्टेट उस तो, तो तो स्टेट्स का जो नतीजा है वो प्रडिक्टेबल नहीं है और ये फैसला कन किरदार अदा कर सकती हैं अमरीका अम, अम, के सदारती इंतब के फैसले में के नतीजे में तो जी आप जो बात कह रहे थे इम्पैक्ट की की तो अब उसमें यह है कि जो ये चार स्टेट्स हम जैसे मैंने कहा वो इतना इम्पेक्ट नहीं डालेंगी लेकिन स्विंग स्टेट्स में अभी हम उसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अगर वहाँ पे मुसलमान वोट अनडिसाइडेड है तो इन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी है थ्रेट भी है आ, वो एक मौका भी ला सकती है लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू में ही कही आपने कहा कि इस इशू ने मुस्लिम वोट को डिवाइड किया, किया, किया है यूनाइट नहीं किया डिवाइड किया है राइट और दैट कैन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि एक इशू कौन सा है जो 2024 के इंतब में अमेरिकी वोटर्स के लिए सबसे ज़्यादा वजन रखता है आपकी राय में जी मेरी राय में अगर हम इसमें इमिग्रेशन की डिवीज़न ना करें एज़ एज अ होल देखें वोटर्स को तो इन्फ्लेशन और इकॉनमी बहुत अहम होगा एक इशू जो बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो रहा लेकिन एज अ प्रोफेसर जब मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने रिसर्च के लोगों से बात करता हूँ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी ये इशू इसलिए बहुत अहम है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक इकॉनमी के साथ है क्योंकि बहुत सारी इकनॉमिक जॉब्स शिफ्ट हो रही हैं जिसके ऊपर अब अब आप जितना मर्ज़ी इमिग्रेशन को कह लें कि जितना कोई भी पार्टी ब्लेम कर ले, लेकिन अब इमिग्रेशन ना बचा सकती है ना उसे रोक सकती है क्योंकि इकॉनमी के डायनामिक शिफ्ट हो रहे हैं मेरे नज़दीक ये इशू एक बडिंग इशू है जिसको अभी दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आ, वो नहीं किया इसको पूरी तरह तोजह नहीं दी लेकिन ये इशू बहुत बड़ी पोलिटिकल वो प्रॉब्लम बन बनने जा रहा है और इशू बनने जा रहा है वेरी सोन थैंक यू रूफ हमारे इस एपिसोड में शिरकत करने का और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया इन साइड अमेरिका हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स के इस एपिसोड को देखने का फिर हाजिर होंगे एक और एपिसोड